सामुद्रिक शास्त्र इंसानों के शरीर के बनावट और शरीर में मौजूद कई निशानों के आधार पर किसी पुरुष या स्त्री के जीवन का भाग्य और उसके अनुसार बन रहे संयोगों के बारे में बताता है। आज जानते हैं शरीर के उन भागों व निशानों के बारे में जो आपके जीवन में धन से संबंधित होता है, यानी कि आपके भाग्य में धनवान होना लिखा है या नहीं। भौतिक जगत में धन की बहुत अधिक महत्ता है। धन की जरूरत सबको है, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, सन्यासी हो आदि। धन के बगैर ना धर्म किया जा सकता है और ना ही किसी भूखे की भूख को शांत किया जा सकता है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में धनवान पुरुष के क्या लक्षण बताए गए हैं। दीर्घांग लिपवान सुभगो दीर्घायुश्चैव, अर्थात जिस व्यक्ति की हथेली के अंगूठे में यव का चिन्ह हो वह धनवान होता है, उसे धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। वहीं जिस व्यक्ति की हथेली के अंगूठे के मूल में यव का चिन्ह हो उसे पुत्र का मजबूत संयोग रहता है। जिस व्यक्ति के उंगलियों के पर्व लंबे हो वो व्यक्ति काफी भाग्यशाली व दीर्घायु होता है। धनी मनुष्य के हाथ की रेखाएं काफी चिकनी और गहरी होती हैं, वहीं दरिद्रों के हाथ की रेखा इससे ठीक विपरीत होती है। छोटी उंगलियों वाले पुरुषों को धन का अभाव रहता है और घनी उंगलियों वाला व्यक्ति धन का संचय करने वाला होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में चक्र, तलवार, फरसा, तोमर, शक्ति, धनुष और भाले की जैसी रेखाएं हों, तो वह सेना, पुलिस आदि विभागों में उच्च पदों पर आसीन होने का संयोग रखते हैं। वहीं जिस व्यक्ति के हाथ में ओखरी के समान रेखा हो वह पुरुष विधि पूर्वक यज्ञ करने वाला होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में मकर, ध्वज, कोष्ठ और मंदिर के चिन्ह जैसी रेखाएं हों, तो वह व्यक्ति काफी धनी होता है। और ब्रह्म तीर्थ अथवा जिनके अंगूठे के मूल में वेदी के समान कोई चिन्ह हो तो वह व्यक्ति हवन करने वाला होता है। यदि किसी जातक के हाथ में बावली, देव मंदिर अथवा त्रिकोण का चिन्ह हो तो वह मनुष्य धर्मात्मा होता है। और जिसके अंगूठे के मूल में मोटी रेखाएं हो उसे पुत्र सुख प्राप्त होता है। वहीं अगर ये रेखा छोटी हो तो पुत्री सुख प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की हथेली के बीचों बीच कोई तिल होता है वह बेहद धनवान होता है और समाज में वह सम्मान पाता है। जिन लोगों के पैरों के तलवे पर तिल, चंद्रमा या वाहन जैसा दिखने वाला निशान होता है उन्हें कई तरह के वाहनों का सुख मिलता है और वह विदेश की यात्रा करने का भी संयोग प्राप्त करते हैं। कि क्या आप बता सकते हैं कि मोटी आंखों वाला व्यक्ति स्वभाव में कैसा होता है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।